नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। हम लोग जैन दर्शन के अध्ययन क्रम में उसके अंतिम इकाई पर पहुंच रहे हैं, जिसे अंतिम यूनिट भी कह सकते हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में है, वो है जैन दर्शन का मोक्ष। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि जैन दर्शन किस तरह से अनेकांतवाद को सिद्ध करते हैं। जैन दार्शनिक अनेकांतवादी हैं, अनंत वस्तुएं हैं, अनंत गुण हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसी क्रम में द्रव्य सिद्धांत देखा था, कितने तरह के द्रव्यों को मानते हैं। जब अनंत वस्तुएं अनंत गुण हैं तो हमारा समस्त ज्ञान सापेक्षिक कहलाता है, ये हमने उनके स्यादवाद सिद्धांत में देखा। इस तरह उनकी ज्ञान मीमांसा और उनकी तत्व मीमांसा के आधार पर उनका आचार मीमांसा निर्धारित होता है, अर्थात जो जैनियों की मोक्ष संबंधी अवधारणा है वह उनके तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा के चिंतन पर आधारित है, जैसा कि अन्य दार्शनिक संप्रदायों में भी देखा जाता है। हमने से पढ़ते समय जब अगर जैनियों का जैन का द्रव्य सिद्धांत के अंतर्गत जीव विचार आता है और इसी जीव विचार का संबंध बंधन और मोक्ष से है, वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो जैनी आत्मा को स्वीकार कर रहे हैं और आत्मा और जीव को वो व्यापक स्तर पर मान रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो जैसे कभी कभी भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में 84 करोड़ योनियों की जिक्र होता है, मुझे लगता है कि जैनियों की चर्चा भी इससे और विशद है। उन्होंने अनंत जीवों की संकल्पना दी है, उसके और उनके चिंतन का केंद्र बिंदु भी आत्मा है और आत्मा के मोक्ष की चर्चा वो करते हैं। मुख्यतः आत्मा क्या है? शरीर से अलग जो चेतन तत्व है उसे आत्मा माना गया है। शरीर के नष्ट होने के बाद भी आत्मा अस्तित्व या चेतना का अस्तित्व बचा रहता है, ये आत्मा की दूसरी मुख्य विशेषता मानी गई है। इस तरह आत्मा को जैन चिंतक अनंत चतुष्टय से युक्त मानते हैं। दर्शन, ज्ञान, वीर, अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत आनंद, ये कहते हैं कि जो आत्मा है मुख्यतः अनंत चतुष्टय से युक्त है, आनंद युक्त है, वीर है और उसके साथ साथ ज्ञान है, सब है। लेकिन समस्या क्या आ जाती है? अविद्या के कारण वह कर्म पुद्गल से जुड़ने के कारण वह बंधनग्रस्त हो जाती है। देखिए, जैसे भारतीय परंपरा सिद्धि परंपरा माना जाता है, गीता में भी हम लोग सामान्यतः सुनते हैं कि आत्मा मुक्त है, कर्म फल से मुक्त है, आत्मा शरीर से अलग चेतन तत्व है, ये जैन दर्शन भी उसे स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन क्या है? अविद्या के कारण, अविद्या के कारण यह बंधनग्रस्त होते हैं। इनके बंधन का मुख्य कारण अविद्या है और अविद्या किसे? अविद्या होगी तो हम ऐसे कर्म करेंगे जो हमें बंधनग्रस्त कर डालते हैं। तो आत्मा मुख्यतः अनंत तत्व से युक्त है, मुख्यतः वह जय पराजय से मुक्त है, मुख्यतः वह सुख दुख से मुक्त है, न वो करता है न भोगता है, जैसा कि गीता में भी कहा गया है। लेकिन वो कर्म पुद्गल का हम लोगों ने जैनों में देखा था जड़ता, कर्म करने से जो स्वभावतः मुक्त है वह आत्मा अपने को कर्ता मानने लगती है, अपने को वो बंधनग्रस्त स्वीकार करने लगती है। इस तरह कर्म पुद्गल के जुड़ने से जो स्वभावतः मुक्त आत्मा बंधनग्रस्त हो जाती है। उसमें गोत्र कर्म है, वर्णी कर्म है, दर्शना, बहुत सारे कर्मों का अलग अलग उल्लेख जैन दर्शन में मिलता है। तो मुख्यतः बंधन का कारण क्या हो गया? वह आत्मा का कर्म पुद्गल से जुड़ना, कर्म से करना पुद्गल। अब कुछ इस तरह होते हैं, जैसे जितना भी आप कर्म करने जाते हैं, जैसे सामान्य भाषा में कहा जाए कि व्यक्ति जितना कर्म करता उतना मोह में फंसता जाता है, तो धीरे धीरे उसकी जड़ता बढ़ती जाती है और जड़ता बढ़ने से कहता है वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं अविद्या, ठीक, कि जड़ता बढ़ रही है, कर्म पुद्गल जुड़ रहे हैं और अविद्या कारण ये लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे धीरे धीरे यह बंधन की ओर बढ़ रहे हैं। बंधन के लिए उन्होंने दो प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है। कर्म पुद्गलों का जब वो आत्मा मुख्यतः मान लिया, तो कर्म पुद्गल हैं, धीरे धीरे आत्मा के अंदर आ रहे हैं,
हमारे कर्म करते करते जब ये आत्मा के अंदर पूरा जा रहे हैं तो आश्रव, ये जैसे जैसे आ जाते ये प्रक्रिया आश्रव कहलाती है। जब कर्म पुद्गल धीरे धीरे आत्मा में प्रवेश करते और जब यही कर्म पुद्गल पूरी तरह से आत्मा में प्रवेश हो जाते हैं तो यह प्रकारांतर में मान लीजिए ये पूरा अगर बंधन हो गए तब ये बंधन ग्रस्त हो गए। अभी ये कर्म पुद्गल आ रहे हैं ये छोटा है तो आश्रव और आश्रव और बंध और ये फिर बंध हो गया, ये पूरा बंधन हो गया, यही आत्मा का बंधन कहलाता है। आत्मा देखिए अनंत से युक्त थी लेकिन धीरे धीरे आत्मा अनंत से है युक्त है लेकिन धीरे धीरे अविद्या से ग्रस्त हुई कर्म पुद्गल, अविद्या, अविद्या से आश्रव, आश्रव से होते हुए यहां ये बंधन ग्रस्त हो जाती है और इस तरह आत्मा दुख की अनुभूति करने लगती है। अब आत्मा बंधन ग्रस्त हो गई है, सामान्य जीव मोह माया में फंस चुका है, अब इससे मुक्ति पाने के लिए तरीका, इसलिए वो प्रोसेस अगला बताते हैं। अब इस प्रोसेस में आश्रव, आश्रव के बाद बंध, अब कीटाणु कर्म पुद्गल हमारे भीतर आ गए हैं, जैसे मान लो कोई कीटाणु मलेरिया मच्छर कीटाणु हमारे भीतर आ गया है और पूरी तरह से समा जाता है तो अब हम बीमार पड़ जाते हैं। अब इस बीमारी से मुक्ति के लिए क्या चाहिए, अब बीमारी से मुक्ति के लिए अब हमें दो तरीके करने होंगे, पहला नय आ जाए, नय ना आ पाए और जो हमारे भीतर आ गया है उसको हटाया जा सके। क्लियर है, अगर हमारे भीतर कुछ कीटाणु आ गए हैं या मान लो मलेरिया मच्छर की वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन हो गया है तो पहला काम नया इन्फेक्शन ना हो पाए, दूसरा जो पहले से आ गए हैं उसको हटाया जाए। इसी को जैन दर्शन में संवर और निर्जरा कहा गया। संवर और निर्जरा, संवर का क्या है कि नए कर्ण ना आ पाए, नए पुद्गल कण ना आ पाए, ठीक, और निर्जरा जो पहले से था उसे हटाया जाए। अगर इससे हमारी मान ली पहला स्टेप क्या था, अगर हम इसमें जा रहे हैं ये आश्रव है और जब पूरी तरह से कर्म पुद्गल इसके अंदर समाविष्ट हो गए अब अंदर सब आ गए हैं तो ये बंद। अब इसे रोकने का तरीका क्या है कि पहला कि नए ये रुक जाए पहला और दूसरा इसके जो भीतर आ गए हैं ये बाहर निकल आए। तो इस प्रक्रिया को कहा गया संवर और दूसरी प्रक्रिया आ गई निर्जरा। तो जैन दर्शन कहते हैं आश्रव के बाद ये बंधन हुआ और इसे करके संवर और निर्जरा दो कॉन्सेप्ट वो देते हैं। तो इस आधार पर वह जैन चिंतक इस निष्कर्ष से पहुंचते हैं कि हमें इस दिशा में प्रयास करने के लिए कुछ व्रतों का पालन करना पड़ेगा, कुछ मार्गों का अध्ययन होगा, अपने आप नहीं होगा। जैसे कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो ऐसा नहीं होता, जब कीटाणु बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो अपने आप ठीक नहीं होता है, उसके लिए आपको कुछ प्रयास करना पड़ता है। उसी प्रयास के तौर पर उसमें त्रिरत्न और पंच महाभूतों का पंच जो महाव्रत हैं उनके उल्लेख करने की बात आती है, जैसे त्रिरत्न दर्शन ज्ञान चरित्र, ये तीन चीजें हैं, ठीक। तो दर्शन ज्ञान और चरित्र, इसका अर्थ क्या होगा कि सबसे पहले अगर आपको मुक्ति है, अगर आप बंधन ग्रस्त हो गए हैं, दुख है, दुख का अनुभव कर रहे हैं, तो पहला जैन सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा करना, विश्वास करना,
ना श्रद्धा, जो हम लोग कहते हैं ना श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अगर आप में श्रद्धा नहीं है तो आपको ज्ञान नहीं मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको श्रद्धा करनी पड़ेगी। तो जैन चिंतकों, महापुरुषों, उनके ज्ञान पर आपको श्रद्धा करना सम्यक दर्शन कहलाता है। अब सम्यक दर्शन कर लिया, श्रद्धा पैदा हो गई, अब आपको ज्ञान प्राप्त करना है। जो प्रवचन सुनना, उनकी किताबों को पढ़ना, इस तरह के चीज़ों आप जीवन में करते हैं। तो पहले श्रद्धा पैदा की, श्रद्धा पैदा करते फिर हमें ज्ञान मिला। ऐसा होता भी है जब हम कहीं पढ़ने जाते हैं विद्यार्थी के तौर पर, हमने भी पढ़ा है, आप भी पढ़ रहे हैं, जब तक आपको श्रद्धा नहीं होगी, आपको विश्वास नहीं होगा, तब तक ज्ञान नहीं मिलता। पहला स्टेप विश्वास श्रद्धा का, फिर जो बताया जा रहा है आपने उसे पढ़ लिया, प्राप्त कर लिया। लेकिन जब तक चरित्र में नहीं ढालेंगे तब तक वो काम नहीं आएगा। इसलिए जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है उसको आपको अपने चरित्र में ढालना होगा। ज्ञान को जीवन में उतारेंगे तब जाके बंधन से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और इसमें भी त्रिरत्न के साथ साथ आपको पांच व्रतों का पालन करना अनिवार्य माना गया। ये पांच व्रत वही हैं, सत्य, अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक, ब्रह्मचर्य। तो अब देखिए सत्य का अर्थ सीधा सा ये होता है जो है उसी के बारे में उसको स्वीकार करना, सत्य जो सत्य इसकी सत्ता हो। अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को कष्ट न पहुंचाना। जैन सन्यासी इस मामले में बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील रहे हैं, और वो इस बारे में मानते हैं कि हर जो बंधन है पहले भाव में होता है, आश्रय पहले भाव आश्रय होगा तब वास्तव में आश्रय होगा। पहले आप बंधन भावना का होगा फिर आप बंधन होंगे, फिर उसका संवर, पहले आप भाव लाएंगे तब वो संवर होंगे, फिर वो निर्जरा का, कि पहले भाव बंद तो सबके साथ वो भाव जोड़ते हैं। जैसे एक छोटी सी कथा उसमें आती है कि दो जैन कथा है कि एक सर्कस में दो लोग पति पत्नी काम करते थे, और दोनों का जो खेल दिखाना था, एक लकड़ी के तख्ते पर जो उसकी पत्नी थी खड़ी हो जाती थी, और जो पति था वो चाकू मारने का खेल दिखाया करता था, उसके हाथ पे पट्टी बांधी जाती थी और चाकू मारने का वो खेल दिखाया करता था। और ये क्रम वो सर्कस और सबसे लोकप्रिय जोड़ा भी था वो पूरा। इस बीच पति पत्नी में कुछ अनबन शुरू हो गई। अनबन के कारण उन्होंने जो अनबन शुरू हुई उससे अब वो छुटकारा पाना चाहता था पति जो चाकूबाज था। उसके दिमाग में एक विचार आया, उसने कहा अगर मैं खेल दिखाते समय इतने दर्शकों के बीच आंख मेरे पट्टी बंधी है, मैं गलत जगह चाकू मार दूं तो वो उसकी लड़की की मृत्यु हो जाएगी और मैं उससे मुक्त भी हो जाऊंगा और मेरे पे कोई आरोप नहीं लगाएगा। भाई वो दिन आया, लकड़ी का तख्ता आया, लड़की खड़ी हुई उसकी वाइफ पत्नी, और उसने आंख पट्टी बांध के हर चाकू गलत जगह मारे, लेकिन कुछ चीखने की आवाज़ नहीं आई। उसने तेजी से अपनी पट्टी खोली तो सामने क्या देखता है कि अरे चाकू, सभी चाकू अपनी जगह सही जगह लगे हैं। इसका मतलब उसे आश्चर्य हो, क्यों? क्योंकि उसको सही करने का अभ्यास था, वो जीवन में सही काम करता रहा, उसका मूल्य सही था, इसलिए जब ऐसा अवसर आया, उसको गलत भाव आए, गलत प्रेरणा जगी, तब पर भी वो चाह कर भी गलत काम नहीं कर पाया। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसीलिए त्रिरत्न की बात करते हैं कि भाव बहुत जरूरी है। पहले अगर आपने भाव लाए, आपने मानसिक अभ्यास कर लिया तो वो चीजें गलत नहीं हो सकती। इसलिए कह रहे थे कि पहले सच्चा विश्वास लाइए, विश्वास ला के ज्ञान लाइए, ज्ञान को फिर अपने चरित्र में उठाइए। और ये कैसे आएगा? जब आप पंच महाव्रत का पालन करेंगे, सत्य है अहिंसा, दूसरों कष्ट नहीं पहुंचा रहे, अस्ते चोरी मत कीजिए, किसी का चुराया, चोरी करना सिर्फ धन चोरी नहीं होता, किसी के विचार चुराना या कोई भी ऐसा झूठ बोलना, तो सत्य के साथ भी अस्ते जुड़ा हुआ है। फिर अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह मत कीजिए, ज्यादा संग्रह करेंगे तो फिर आप कर्म पुद्गलों से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है आपका इंद्रियों में नियंत्रण करना। यद्यपि जैनियों की कठोर साधना है इसलिए उन्होंने बहुत सारे व्रतों का उल्लेख किया, लेकिन सामान्यतः
आपके त्रिरत्न और पंच महाव्रतों का पालन करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं इस तरह। और जैनी विधेय मुक्ति को मानते दो तरह कि भाई जो जब शरीर का अंत होता है तब आप मुक्त होते हैं, और मुक्त होने के बाद जैसे ही आप मुक्त हुए मोक्ष आपको मिला तो आप अनंत चतुष्टय का पालन करने लगेंगे। अनंत चतुष्टय का पालन करने का मतलब है कि आप आनंद को स्वीकार करते हैं। यद्यपि उनमें आगे आता है कि एक सिद्ध शिला है जिसमें आप जाकर समाहित हो जाते हैं। इस तरह जैनियों के मोक्ष का जो मार्ग है त्रिरत्न है, पंच महाव्रत है, और विधेय मुक्ति के द्वारा आप इसको विधेय मुक्ति जब शरीर का अंत हो जाता है तब आत्मा मुक्त हो जाती है। और ये भी एक सवाल पैदा होता है कि मोक्ष अवस्था में क्या आनंद की स्थिति होती है, जैसे गौतम बुद्ध मानते हैं मोक्ष अवस्था में शांत आते हैं, न्याय दर्शन मानता है कि न सुख की अनुभूति न दुख की अनुभूति, लेकिन जैन दर्शन अनंत तुष्टय मानने की वजह से आनंद से मोक्ष को वो जोड़ते हैं। अंत में आता है कि इनके जो जैन दर्शन के जो बंधन और मोक्ष की अवधारणा है तो सही, लेकिन बहुत लोकप्रिय नहीं हो पाती। लोकप्रियता का आधार यही है कि जो आरोप लगते हैं हम लोग सोचते हैं कि ये कठोर है। एक तो ये होता है कि इसको जैसे कि आत्मा, क्योंकि इनका आत्मा संबंधी चिंतन भी विवादों में है, विवादों में आत्मा से, जैसे आपने जब हम लोग इनका द्रव सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो उसमें आया था कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करते समय उसके अव्यय या तो उसमें मिलते हैं या हटते हैं, तो अव्यय जहाँ मिल और अलग हो रहे हैं उन अव्ययों को इसके कारण आत्मा जो है वो नश्वर हो सकती है। तो इनके फिर और जैसा ये बता रहे हैं कि आपको जब मोक्ष मिलेगा आप मुक्त होंगे तो क्या होंगे, एक सिद्ध शिला में जाके समाहित हो जाएंगे, तो इसे वास्तविक कैसे माना जा सकता है? और ये बहुत कठोर साधना है, जैसे कठोर अभी आप देखते हैं ना कि जैसे बालों, जैसे अगर आप देख जैन सन्यासियों को देखेंगे तो बहुत कठोर साधना होती है। उसमें ये भी साधना आती है कि स्वेच्छा से अपने शरीर का त्याग करना, तो कहते इतनी कठोर बना दिया गया है कि इस जो आनंद के जो मोक्ष का मार्ग है उस पर बहुत कम ही लोग चल सकते हैं, जो कि उसके लोकप्रियता में सबसे बड़ी बाधा के तौर पर देखा जाता है। और व्रतों में आनंद, इन्होंने कठोर व्रत हैं, इन्हें व्रतों की बहुत ज़्यादा संख्या है, तो ये जो व्रतों का पालन करना ऋषि मुनि नहीं, सामान्य मनुष्य तो जाने दीजिए, ऋषि मुनियों के लिए भी बहुत कठोर साधना के तौर पर आता है। जैसे बहुत खेती में भी अगर आप शाम का भोजन कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप में कोई कीटाणु चला जा रहा है, इसे भी पाप के तौर पर देखा जाता है, इससे बचना है आपको। आप में जैसे रेजर से सर मिलाने बजाय कहीं कहीं बाल नोचा जाता है ताकि कोई जीव या हत्या ना हो जाए, तो इतनी कठोर साधना है जैनियों की, जिसके कारण कि थोड़ा सा लोकप्रियता भी आरोप लगता है, और कि जैन धर्म या जो दर्शन है उसमें जो मोक्ष की अवधारणा है एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी कठोर साधना के तौर पर आता है। लेकिन फिर भी जो सबसे अच्छी बात जैन दर्शन के बंधन और मोक्ष की अवधारणा का है कि वह आचरण पर, आपको सिर्फ ज्ञान नहीं प्राप्त करना है, ज्ञान को आपको अपने चरित्र में ढालना है। अगर ज्ञान चरित्र में नहीं आया है तो ये फिर किसी काम का नहीं है। और ये जैनियों की बहुत बड़ी विशेषता मानी गई है कि उन्होंने चरित्र पे बहुत बल दिया, और चरित्र पे बल देने का वजह यही थी कि बहुत सारे हम लोग आज भी देखते हैं, हर व्यक्ति को ये पता है सत्य बोलना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई सच नहीं बोल रहा है तो जैनियों ने इसके प्रति बहुत आगाह किया है कि भाई जब तक आप चरित्र में नहीं ढालेंगे तब तक ये आपके वास्तविक जीवन में नहीं आ पाएगा। और इसके साथ जो इनके जो पंच महाव्रत हैं, पंच महाव्रत की जो अवधारणा है ये भले आपको कठोर लगे, यद्यपि बाद में उन्होंने सुविधा के दृष्टिकोण से गृहस्थों के लिए कुछ छूट दे दी थी, गृहस्थ जरूरी कि गृहस्थ जो है वह पूरे व्रतों का पालन करें, लेकिन फिर भी जो पांच महाव्रत हैं वो एक तरह से आदर्श हैं मानव जीवन के। आज के दौर में भी सच बोलना चाहिए, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक जरूरत आवश्यकता से अधिक संग्रह करेंगे तो अन्य लोगों को वह चीज़ प्राप्त नहीं हो पाएगी, अभाव हो जाएगा,
चोरी न करना अस्ते, ब्रह्मचर्य का मतलब है कि इंद्रियों में नियंत्रण करना। इस तरह जैनियों का जो त्रिरत्न और पंच महाव्रत मिलकर एक आदर्श समाज की रचना में भी योगदान कर सकते हैं, और इनका जो मोक्ष संबंधी विचार है वो प्रकारांतर में अपने चरित्र और आचरण पर बल देने के कारण महत्वपूर्ण हो जाता है। ये था हमारा जैन दर्शन से संबंधित चौथा लेक्चर। यह जो चर्चा हम लोग ने थी, जो मूल अवधारणाएँ आपके स्नातक और प्रास्नातक दोनों में समान है, बस प्रास्नातक के स्तर पर थोड़ा सा उसका क्षेत्र बदल जाता है। सुविधा के दृष्टिकोण से मूल अवधारणाएँ दोनों जो मूल दर्शन हैं जिनकी चर्चा हम अभी तक की चार अध्याय चार लेक्चर्स में हम लोगों ने की, इस समान रूप से BA और MA स्नातक और प्रास्नातक दोनों पे उपयोगी है। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।